किस बेसिस में रेगुलेशन बनाए जाते हैं? देयर आर 9 बेसिस ऑफ मेकिंग दिस रेगुलेशन। 9 चीजों को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अपने सामने रखता है, फिर रेगुलेशंस बनाता है। अगर जब भी आपको ये रेगुलेशंस चैलेंज करने हैं, इफ यू नो दीज 9 थिंग्स, यू कैन चैलेंज दीज रेगुलेशन। हाउ स्टेट कमीशन मेक रेगुलेशन फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैरिफ। दैट्स वंडरफुल। सो भाई डिटेल तो वर्कआउट करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सारे डिटेल्स तो हो नहीं सकते। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज टू मेक स्पेसिफिक रेगुलेशंस कि भाई जनरेशन का टैरिफ कैसे डिटरमाइन करना है, व्हीलिंग का, चार चीजें हैं, चार ही चीजों में टैरिफ डिटरमाइन होते हैं, जनरेशन का टैरिफ, ट्रांसमिशन का टैरिफ, व्हीलिंग का टैरिफ एंड सप्लाई का। किसी को अगर ये क्लियर नहीं है तो अभी पूछ लो भाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होने वाला है थोड़ा सा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको टैरिफ, चलो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को रेगुलेशंस बनाने, उन रेगुलेशंस के दायरे में आप जाके फाइल करोगे अपनी एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन की भी एप्लीकेशन फाइल करोगे, अडॉप्शन की एप्लीकेशन भी फाइल करोगे, और टैरिफ बाय एग्रीमेंट है तो आप उसको जब केस फाइल करोगे तो उसको भी आप मद्देनजर रखते हुए केस फाइल करोगे। किस बेसिस में ये रेगुलेशंस बनाए जाते हैं? देयर आर 9 बेसिस ऑफ मेकिंग दिस रेगुलेशन। 9 चीजों को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अपने सामने रखता है, फिर रेगुलेशंस बनाता है। अगर जब भी आपको ये रेगुलेशंस चैलेंज करने हैं, इफ यू नो दीज 9 थिंग्स, यू कैन चैलेंज दीज रेगुलेशन। यू से ना कि कैट हैज 9 लाइव्स, सो यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस कि ये 9 आपके पास, हाउ रेगुलेशंस आर मेड। सो 5 प्रिंसिपल्स या मेथडोलॉजीज हैं, वो स्पेसिफिक है, आप उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। एप्टेल में चैलेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, तो इन 9 चीजों के बेसिस में यू विल चैलेंज इट। इवन स्टेट रेगुलेटर में आपको कोई चीज चैलेंज करना है तो 9 चीजों के बेसिस में चैलेंज कर सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट ऑल रेगुलेशंस मेड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ विल फॉलो दिस गाइडिंग प्रिंसिपल। 5 आर स्पेसिफिक गाइडिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स एंड मेथडोलॉजी यूज्ड बाय CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सर आपने बार बार बोला है CERC अलग है, SERC अलग है, पावर्स इक्वल, पावर्स इक्वल हैं, बट व्हेन SERC इज मेकिंग अ रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टैरिफ डिटर्मिनेशन, चार चीजों के टैरिफ, देन जो CERC ने जो टैरिफ डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल्स और मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं वो SERC कैन फॉलो। सो व्हेन यू आर चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ SERC, यू कैन से सर CERC ने तो ये फॉलो करा है, आपने क्यों डिफरेंट फॉलो करा। एप्टेल में भी आप सीधे जा रहे हो, CERC में नहीं जा रहे हो, अपील जब कर रहे हो एप्टेल में, तब आप बोलोगे एप्टेल में CERC ने ये मेथडोलॉजी फॉलो करी बट SERC ने नहीं फॉलो करी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोवाइड दैट यू हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम देम, नंबर 1। नंबर 2 स्पेसिफिक है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड टैरिफ पॉलिसी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड टैरिफ पॉलिसी। तो सेकेंड प्रिंसिपल इज दिस। थर्ड प्रिंसिपल इज दिस, टैरिफ शुड प्रोग्रेसिवली रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड रिड्यूस क्रॉस सब्सिडीज। क्रॉस सब्सिडीज कैन नॉट इंक्रीज, क्रॉस सब्सिडीज कैन ओनली रिड्यूस। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रॉस सब्सिडी आज 1 है तो कल 2 है, फिर 3 or 4 or 5 हो, नहीं, इट हैज टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस और स्टेबल, चलो इफ यू कैन नॉट रिड्यूस। थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल ये है, मल्टी ईयर टैरिफ प्रिंसिपल। सो व्हेन यू डिटरमाइन टैरिफ, ट्राई कि इन प्रोग्रेसिवली यू मेक मल्टी ईयर टैरिफ, एक साल से कम का टैरिफ नहीं बन सकता, नॉट अलाउड। यू कैन नॉट मेक टैरिफ फॉर 1 month, 2 months, 6 months, 3 months, 4 months, 10 months, नॉट अलाउड। टैरिफ डिटरमाइनिंग इज ओनली 1 year मिनिमम है एरिया, लेकिन मल्टी ईयर इज अलाउड। सो द कमीशन कैन डू कि चलो एक साल के लिए टैरिफ ये है, गुड। Now the commission can do कि अगले 3 साल का tariff ये है, आपके लिए stability आ गई। You can request the commission, you can request your company also. All right. Fifth is safeguard consumer interest, recovery of cost of electricity. So whatever tariff is there, उसकी recovery के लिए all steps have to be taken. So these are the 5 specific guidelines which have been given under Electricity Act to the State Electricity Regulatory Commission for determination of tariff. And this, on the basis of these guidelines, only advocates challenge the decision of State Electricity Regulatory Commission in Appellate Tribunal of Electricity and Supreme Court. आप बोलोगे Supreme Court में क्या discuss होता है tariff से related? यही discuss होता है tariff से related. जब challenge करना है आपको state regulator ने अगर कोई tariff determine करा, आपको challenge करना है तो आप बोलोगे number 1, sir principles जो CERC के हैं ये हैं, लेकिन state regulator ने कुछ और कर दिया है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी कुछ और है और स्टेट रेगुलेटर ने ये कर दिया है। टैरिफ पॉलिसी कुछ और है और स्टेट रेगुलेटर ने ये बना दिया है।
फिर उसके बाद टैरिफ हैज टू बी प्रोग्रेसिवली रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ सप्लाई, बट इट इज नॉट प्रोग्रेसिवली रिफ्लेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ सप्लाई. मल्टी ईयर प्रिंसिपल है बट 6 महीने का टैरिफ बनाया है. दीज आर द चैलेंजिंग, किसमें करना है आपको, इसी में करना है. इसके अलावा देर आर 4 जनरल प्रिंसिपल्स ऑल्सो, दीज आर 5 स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स. जनरल प्रिंसिपल्स ये हैं. फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल इज कमर्शियल. सो 1991 के पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से जब वो 9 प्रिंसिपल्स दे रहा था टैरिफ डिटर्मिनेशन के रेगुलेशंस बनाने के लिए, तो 9 प्रिंसिपल्स में 5 स्पेसिफिक थे, 4 जनरल थे. 4 जनरल प्रिंसिपल्स में एक जनरल प्रिंसिपल है कमर्शियल प्रिंसिपल्स. सो व्हेन यू आर डिटरमाइनिंग टैरिफ देन पॉलिटिकल कंसिडरेशन और अदर कंसिडरेशन की कोई सस्ता है कोई महंगा है कोई दे सकता है कि नहीं दे सकता है या इलेक्शन आने वाले हैं, those consideration are null and void, they cannot be there. Only commercial principles have to be applied by determination of tariff. So if a regulatory commission determines tariff or says something in their order telling ki bhai election aa raha hai ya koi aur reason hai, not acceptable as per electricity act. Next general principle is that it should encourage competition, efficiency, economical use of resources, good performance and optimum investment. अच्छा, ये जो जनरल प्रिंसिपल मैं बोल रहा हूँ दे आर ऑल डिबेटेबल प्रिंसिपल्स. आप इनको अपने हिसाब से आर्ग्यूमेंट्स में डाल सकते हैं एप्टेल में भी और कोर्ट्स में भी और मिनिस्ट्री के पास भी. नेक्स्ट जनरल प्रिंसिपल, फोर्थ जनरल प्रिंसिपल इज, थर्ड जनरल प्रिंसिपल इज रिवॉर्डिंग एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस. ये भी बहुत जनरल है. एंड फोर्थ जनरल प्रिंसिपल इज दैट प्रमोशन ऑफ कोजनरेशन एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. The test is whether this regulation is promoting renewable or it is not promoting. If it is not promoting, it fails the test. If it is promote, then this applies general principle. So these are the 9 principles which are applied. The cat has 9 lives. These 9 principles are applied for making tariff regulations. 5 are specific, 4 are general. Specific principle first hai, that is principles and methodology used by CERC. Ek pehla principle hai. दूसरा स्पेसिफिक प्रिंसिपल है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड नेशनल टैरिफ पॉलिसी. थर्ड स्पेसिफिक प्रिंसिपल इज टैरिफ शुड बी प्रोग्रेसिवली रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड रिड्यूस क्रॉस सब्सिडी. फोर्थ स्पेसिफिक प्रिंसिपल है मल्टी ईयर टैरिफ प्रिंसिपल इज मोर बेटर. फिफ्थ प्रिंसिपल है सेफगार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बाकी जो 4 जनरल प्रिंसिपल्स हैं इसमें फर्स्ट है कमर्शियल प्रिंसिपल पे होना चाहिए, नॉट वेलफेयर और नॉट पॉलिटिकल. Second is it should encourage competition, efficiency, economical use of resources, good performance and optimum investment. Third, it should reward efficiency and performance. Fourth, promote cogeneration and renewable energy sources. So hope I've answered the question. Back to you.